हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है, दैट इज़ TCA साइकिल, क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। ये तीनों एक ही साइकिल है और इनके नाम अलग अलग है। तो लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने कवर किया था किसके बारे में, पूरा हमारा साइकिल की प्रोसेस के बारे में कि कितनी प्रोसेस में होती है, कितने दो स्टेप्स में होती है, कैसे कंडेंसेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, किस तरीके से वो आगे फॉलो होती है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे पुराने वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इसका पूरा मैकेनिज़्म के बारे में कि मैकेनिज़्म इसका किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर इसको हमने और क्या नाम दिया है, क्रैब साइकिल। हम इसको क्रैब साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसने दी थी, हैंस क्रैब्स ने। हैंस क्रैब्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसने कि ये क्रैब साइकिल हमें दी थी। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा पायरूवेट है, ये किसमें, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस हुई थी उसमें पायरूविक एसिड बना था। पायरूविक एसिड जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हुआ, पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ। पायरूवेट जो होता है हमारा, पायरूवेट किसके अंदर इंटर करता है, हमारी क्रैब साइकिल के अंदर। अब ये जो पायरूवेट है ये इंटर करेगा किसके अंदर, क्रैब साइकिल में। होगा क्या, इसके अंदर तीन कार्बन का होता है ये। अब इसमें CO2 रिलीज हो जाएगी, NADH+ NAD+ से NADH+ बन जाएगा, मतलब प्रोटोन रिलीज होगा, कोएंजाइम ए आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर आके जुड़ गया, कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट प्रोसेस। अब सेकंड प्रोसेस में क्या होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा, हमारा सिट्रिक एसिड। क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। तो इनका कंडेंसेशन हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि इनका कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन क्यों होता है, कंडेंसेशन इसीलिए होता है ताकि सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ और उसके बाद में क्या बना, सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, NAD+ से NADH+H+ बन जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा उसके बाद में, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जो कि 5 कार्बन का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की प्रोसेस आपको समझ में आई, कंडेंसेशन हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में आया, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और उससे क्या बना, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो कि कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, इसमें से अगेन CO2 रिलीज हो जाएगी, NAD+ से NADH+H+ बन जाएगा और GDP से GTP का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मेशन जैसे कि ADP से ATP का बनना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद में अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड से क्या बन जाएगा, हमारा सक्सिनिक एसिड। क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। ये सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा, हमारा मैलिक एसिड। क्या बनेगा, मैलिक एसिड, ये भी कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का। लेकिन सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड बनने के बीच में FADH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, FAD+ में, मतलब प्रोटोन यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो FADH2 से क्या बना, हमारा FAD+। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ जो कि 4 कार्बन का है। अब मैलिक एसिड से क्या बनेगा, आपका ऑक्सोलो एसिटिक एसिड, मतलब OAA। ठीक है, तो ये OAA बनने की जो प्रोसेस होती है, इसमें मैलिक एसिड से ये OAA बनता है जिसके अंदर NAD से NADH+H+ बनता है, मतलब जो प्रोटोन यहाँ पे लगा था वो वापस से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, OAA, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सेलो एसिटिक एसिड जैसे ही बनता है, ये जो प्रोसेस होती है अगेन पूरी कंटिन्यू चलती रहती है, पूरी प्रोसेस की जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हमने क्या देखा, क्रैब साइकिल के बारे में देखा, ये साइकिल किस तरीके से कंटिन्यू होती है, कैसे पायरूविक एसिड जो है वो आगे और ब्रेक डाउन होता है उसका, कैसे आगे चल के, और वो उसका पूरा मैकेनिज्म हमने यहाँ पर जाना। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको क्विक रिविज़न दे देती हूँ। पायरूवेट 3 कार्बन जो कि किस में इंटर करेगा, क्रैब साइकिल के अंदर, NAD+ से NADH+H+ बन जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगी और एसिटाइल कोएंजाइम आके उसका कंडेंसेशन होगा। इनका कंडेंसेशन होने के बाद में, कंडेंसेशन क्यों होता है, ताकि सिट्रिक एसिड बन सके। सिट्रिक एसिड बना और
क्या होगा, एनएडी प्लस से एनएडी एच प्लस एच प्लस आयन बन जाएगा। सिक्स कार्बन का सिट्रिक एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, जो कि कितना है कार्बन का है, पाँच कार्बन का है। यहाँ से क्या होगा, सी ओ टू निकल जाएगी, एनएडी प्लस से एनएडी एच प्लस एच प्लस बन जाएगा और जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड फोर कार्बन का। सक्सिनिक एसिड से क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड, एफ ए डी एच टू कन्वर्ट हो जाएगा एफ ए डी प्लस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बनने में एन ए डी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एन ए डी एच प्लस एच प्लस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है किसकी, क्रैब्स साइकिल की। यहाँ पे हमने देखा क्रैब्स साइकिल में किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलोअप होता है। आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।